आपको पता है भगवान के दरबार में तालियां बजाने से कोई हमारी इज्जत नहीं घट जाती है। अगर कोई लोग सोचे कि भगवान के नाम पर हम ताली बजाएंगे तो हम बहुत बड़े पैसा वाले हैं तो हमारी इज्जत वैल्यू बैलेंस कम हो जाएगी, ये कोई मत सोचे। मैंने देखा है कि भगवान की कथा चलती है, अगर कथा चलते में आप लोग देखते ही रहते हैं कि कथा जब चलती है उस समय नेता लोग कोई ना कोई बीच में जरूर आ जाता है, आ जाते हैं ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग तो तालियां बजाते हैं और जो व्यास जी ताली बजाने के लिए कहते तो नेता जी बगलों में हाथ दे करके खड़े हो जाते हैं। क्यों क्यों खड़े हो जाते हैं बात बताए? वो इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम नेता जी हैं, हम बड़े आदमी हैं, तो मैया ताली कैसे बजाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए, भगवान के दरबार में नहीं कोई बड़ा होता है नहीं कोई छोटा होता है, सब एक समान होते हैं। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और चाहे कैसा भी सही, सब एक समान होते हैं। और भगवान को हमेशा अपने बच्चों से बहुत प्रेम होता है, और जो भक्त भगवान को अपने सच्चे दिल से बुलाते हैं, भगवान को तुम्हारे रुपया पैसा की चांदी सोना की कोई जरूरत नहीं है, अगर है तो दे दिए नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल भक्ति से भगवान को गाओ और भक्ति से बुलाइए, प्रभु जरूर आएगा। अब तुमने नाम के लिए तो कथा करवा ली कि हाँ भैया हम कथा करवा रहे हैं, हम भागवत करवा रहे हैं, लेकिन तुम भागवत करवा रहे हो नहीं सुन रहे हो, नहीं तुम्हारे वहां पर कोई जाने में फर्क पड़ रहा है, कोई जाने आने से जा रहे हो तो सही नहीं जा रहे हो तो सही। तो इसलिए भगवान की कथा करवाओ, करवाने के साथ साथ सुनो और भगवान की कथा को सुनो समझो और भगवान के भजन कीर्तन में ध्यान लगाओ बोलो, क्योंकि भगवान का भजन बोलने से हमारे शरीर जो भी मन में चिंताएं भरी होती हैं सारी दूर हो जाती हैं। तालियां बजाने से हमारे शरीर को भी बहुत फायदे होते हैं, इसलिए तालियों के साथ साथ सभी भक्त भगवान का कीर्तन बोलेंगे। Oh,